चलिए अब देखते हैं कि हरियाणा और चंडीगढ़ का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, पंजाब में हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी दो समुदाय थे। इनमें से पंजाबी भाषी लोग अलग राज्य की मांग कर रहे थे। यह मांग काफी लंबे समय से चल रही थी। 1925 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन की स्वायत्त समिति के अध्यक्ष परीजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई थी। इसके बाद 9 सितंबर 1932 को दीन बंधु गुप्त ने हरियाणा को पंजाब से अलग रखने की मांग रखी। 1946 में डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने दिल्ली में हुए अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस में दीन बंधु की मांग का खुला समर्थन किया था। 1 अक्टूबर 1949 को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर द्वारा तैयार किए गए फार्मूले के अंतर्गत पंजाब प्रांत को दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। सच्चर फार्मूले के द्वारा पंजाबी क्षेत्र में सरकारी भाषा पंजाबी और हिंदी क्षेत्र में देवनागरी लिपि का प्रयोग होना सुनिश्चित हुआ, लेकिन जनता ने इस फार्मूले को अस्वीकार कर दिया। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने पंजाब विभाजन की मांग भाषाई आधार पर अस्वीकार कर दी थी। 1965 में भारत सरकार ने लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में पंजाब विभाजन पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया। इस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने मार्च 1966 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री शाह की अध्यक्षता में पंजाब सीमा आयोग का गठन किया था। शाह आयोग की सिफारिशों के बाद पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया। इस प्रकार हरियाणा देश का 17वां राज्य बना। इसके अलावा चंडीगढ़ और इसके आसपास के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ के रूप में एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यह हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त राजधानी भी है। इस प्रकार 1 नवंबर 1966 को 17 राज्य और 10 केंद्र शासित प्रदेश भारतीय संघ में शामिल थे।